हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमके टेक्नोलॉजी में। आज हम देखेंगे कि यूएसबी को बूटेबल कैसे बनाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलें। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके क्रोम ब्राउज़र में जाके यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डाउनलोड रूफूस। पहले वेबसाइट में चले जाना, ऊपर वाली में। जैसे ही आप नीचे आएंगे देखेंगे कि यहाँ से आप डाउनलोड, जैसे यहाँ पे सारे लेटेस्ट वर्जन आएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे इसको। देखो मैंने डाउनलोड किया हुआ, ये मेरा डाउनलोड होने लगा। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसको। आपको यहाँ से नहीं करना, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। हम आप ओपन करेंगे, ओपन हो रहा है, नो कर देंगे। ऑनलाइन अपडेट के लिए मांग रहा था, ये आ गया, खुल गया दोस्तों। अब यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट कर लेते हो, पैनल लगी हो, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप IOC फाइल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपने जहाँ पे भी IOC फाइल डाल रखी है, ISO फाइल वहाँ से डाउनलोड करें। मैंने DixF में डाल रखी है अपनी, मेरी है, मैं विंडो 10 के लिए बनाने जा रहा हूँ। ये प्रोसीजर सभी के लिए सेम है, विंडो 7 हो, 8 हो, 10, सभी के लिए सेम है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आप फाइल ISO फाइल आपकी किस विंडो की। तो मैं विंडो 10 के लिए यहाँ से हम ओपन कर लेंगे इसको, यहाँ पे और सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं करना आपको। सिर्फ यहाँ पे NTFS फाइल सिस्टम NTFS देखना आपको, और आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इसको। ये परमिशन मांग रहा है कि आपका डाटा पेन ड्राइव में सभी इरेज हो जाएगा, तो आपको ओके कर देना है। और अब ये स्टार्ट होने लगा, देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया। ये आपके कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड होगा कि कितना टाइम लेगा ये आपको। अब ये स्टार्ट हो चुका है, देखिए आप। जब तक मैं इसको वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जब तक ये होता है, देखिए ये हमारा होने वाला है। अब ये हमारा होने वाला है, अब ये थोड़ी देर में थोड़ा ही रहता है। ये 96 ये हमारा होने जा रहा है। थोड़ी देर में ये अपना पूरा होने वाला है। ये ये पूरा हो गया अपना। हमारा पूरा बन चुका है, अब हम देखेंगे इसको। ये देखिए हमारी अब बूटेबल बन चुकी है पेन ड्राइव, ये सेटअप आ चुका है इसके अंदर। देखिए आप, बूटेबल बन चुकी है हमारी पेन ड्राइव। ऐसे ही सभी विंडो के बना सकते हैं इसी तरीके से। आपको सिर्फ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने रूफूस का, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसका।